सो दोस्तों आई शपथ आज आप लोगों को ऐसे एक ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन थाली खिलाने वाला हूँ ना कि पक्का आप लोगों को जो है ना आपकी आई की याद आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका होस्ट हो तो शफीक दीजिए, खाने की तलाश में आज पहुँचा हुआ है घाटकोपर वेस्ट, वो भी आई शपथ रेस्टोरेंट्स में। मतलब क्या ही बताऊँ, वेरियस वेराइटीज ऑफ महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक थाली। तो चलो मैं इस रेस्टोरेंट्स में आज पहली बार आया हूँ मैं, तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि इनकी ऑथेंटिक थाली। जैसे वैसे तो मैंने ना इस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सुना हुआ है कि बहुत सारे वैरायटीज, खास करके विदर्भ, कोंकण और बहुत सारे सिटीज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट की थाली मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं यहाँ पे क्या ट्राई करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन, आइए प्लीज। विदर्भ स्पेशल थाली, और चलिए एक वॉक अराउंड कराता हूँ कि मैंने क्या क्या उस थाली के अंदर। सबसे पहले मैंने मंगाया यहाँ पर कोतंबीर वड़े, दे सकते हैं। उसके बाद में ये आलू वड़ी है ये, और ये हमेशा से मेरा जो फेवरेट है, मतलब महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट में कोई गया ना, मोदक तो मैं मंगाता हूँ डेजर्ट में हमेशा। और फिर ये है थाली, ये थाली बेसिकली जो है ना करीब इसको आराम से जो है ना 2 से 3 लोग खा सकते हैं। इस थाली में जो है ना आपको 3 वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स है, ये आलू की सब्जी है, ये पत्ता गोभी और ये बेसन का कुछ सब्जी है। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है यार ये, है ना। और उसी के साथ में ये है इनका दाल, दाल भी जो है ना स्पेशल होता है, खोबरे की दाल होती है ये बेसिकली। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। और ये है इनका पूरन पूरी, ओके, और राइस, ठीक है। ये है सलाद, और इसी के साथ में इन्होंने दिया हुआ है छाछ। इस तरफ अगर आते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये यार आलू कर, मतलब बटाटा करी कुछ दिख रहा है ये। ये जो है इनका बैंगन का कुछ है ना, मतलब अच्छे से बेसन में इसको ना लपेट के इसको फ्राई किया हुआ, डीप फ्राई। अगेन कोतंबीर बड़ी जो है ना इस थाली के साथ में भी आती है। फिर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है पापड़, यार बहुत ही कुरकुरा लग रहा है ये। फिर अगर इस तरफ देखेंगे तो ये भाकरी है, भाकरी भी इन्होंने 2 पीस दिया है, बहुत बड़ी बड़ी साइज है इसकी। साथ में ये डेजर्ट, एंड एज यू नो हमेशा महाराष्ट्रियन थाली में होता है जो कि लोनचे अचार और कांदा। पूरन पूरी तो जो है ना जनरली मैं जब मेरे महाराष्ट्रियन दोस्तों के घर पर जाता हूँ ना, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। एक बाइट लेते हैं, टेस्टिंग सो गुड यार, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है कोतंबीर वड़ी यार, इसको पहले ब्रेक करते हैं। क्रिस्पी बहुत लग रहा है, गर्मा गर्म आया हुआ है पूरा एकदम। डिप करेंगे ग्रीन चटनी में, लेते हैं। स्पाइसी नहीं है हाँ, लेकिन ये जो ग्रीन चटनी है ना इसको ना चार चांद लगा दे रहा है यार, मज़ा आ रहा है। अब लेते हैं इनकी आलू वड़ी, ये तो हमेशा से बहुत लोगों का फेवरेट रहता है, देखते हैं कैसे है। अगेन बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है, देखो। डिप करेंगे अगेन चटनी के अंदर। अब चलिए लेते हैं इनकी भाकरी और ट्राई करेंगे इनकी आलू बेसन के साथ में, लग रहा है। उठाते हैं और खाते हैं, देखते हैं कैसा है। बेसन की जो वड़ी है ना अंदर डाला हुआ है, तड़के जा। और जो महाराष्ट्रीय मसालों का जो फ्लेवर आना चाहिए ना, वो भर भर के आ रहा है यार, मज़ा ही आ रहा है। आलू सब्जी देखते हैं, ये तो मतलब हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, ये लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है यार, और जो राई का और प्याज की जो तड़का मारा है ना इसके ऊपर, ऑयल नहीं, एकदम जैसे घरगुती होता है ना, जैसे माँ ने बना के दिया हुआ है खाना, वैसा लग रहा है खाने में यार, मज़ा आ रहा है। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है यार, तो लेते हैं, खाते हैं, देखते हैं। ऐसे ओए 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 ओए, वैसे ये करी बहुत स्पाइसी है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फ्लेवर मसालों का आ रहा है। ऊपर से ये वड़ा खाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। पापड़ यार, थोड़ा सा पापड़ तो खा के देखते हैं, कुरकुरेदार यार। ट्राई करते हैं इनका सबसे पहले पुलाव, आई थिंक थोड़ा सा वो निकाल लेंगे तो बेटर रहेगा, फिर ट्राई करते हैं। और थोड़ा सा जो है ना करेंगे इसमें, डालते हैं करी को और स्पाइसी बना लेते हैं थोड़ा सा।
कोलम का चावल दिया हुआ इन्होंने, और वैसे तो ये है ना हल्का हल्का ये स्पाइसी लग रहा था, लेकिन आपको बताऊं मैं जनरली जो है ना खीर या कुछ खाते हो तो मेल्टिंग इन द माउथ होता है ना, ये राइस भी जो है ना इनका मेल्टिंग इन द राइस एंड दाल, दाल भी जो है इनकी स्पेशल दाल होती है खोबरे वाली राइस लेते हैं। अगेन राइस भी आप देख लो कितने भरभरे है, और नहीं कोलम है ये भी मतलब छोटे छोटे चावल होते हैं ना वैसा। थोड़ा सा मिलाएंगे इसमें बेसन करी यार, पर चलो लेंगे इसकी बाइट एक। ओहो मैं क्या ही बताऊँ यार, जबरदस्त। लेते हैं इसको बड़ी के साथ में अभी जरा। ओहो क्लास, ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर तो मोदक बनता है। तो चलो इसकी क्रश करते हैं पहले इसको एक बार, और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसे होने वाला है। ओहो फीलिंग्स बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। खाते हैं इसकी एक बाइट। इट इज टू गुड यार, टू गुड। ये है इनका खीर, मतलब खाते खाते जो है ना थोड़ा मीठा भी हो जाए बीच में। चावल की खीर, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स अच्छे खासे डाले हुए हैं इन्होंने, मजा आ रहा है। इसके लिए तो हक से मैं बोल सकता हूँ मेल्टिंग इन दी माउथ, बहुत मजा आ रहा है। वाओ तो फ्रेंड चलिए, ओवरऑल जो है ना मुझे एक्चुअली आई लाइक दिस विदर्भ थाली यार, ऑथेंटिक महाराष्ट्रन टेस्ट अगर आपको चाहिए ना, और आप कभी इस नियर बाय एरिया में हैं या स्पेशली आप खाने के लिए आ सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड विजिट दिस रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड चलिए इसी तरीके से और एक नए ब्लॉग के साथ मैं बहुत ही जल्दी मैं आप लोग को मिलने वाला हूँ। टिल दैट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपको वक्त मिले तो खाने का पीने का घूमने का फिरने का और मस्त रहने का, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करने का फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।